अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शबीर जैदी, अलायंस पोर्टेबल जूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई कबूतरों के बारे में ये वीडियो नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और काफ़ी लोगों में दहशत है। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, हर हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि औरों तक भी ये जानकारी आप पहुँचा पाएँ और दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो जैसे कि कोरोना टाइम आजकल चल रहा है, तो कोरोना टाइम में हर आदमी डरा हुआ है, दहशत का माहौल है। तो आपको दहशत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल खुश रहें अपने घर के अंदर, आप अपने परिवार के साथ एकदम खुश रहें। बिल्कुल अपने आप को एक ऐसा महसूस करें जैसे आप कोई बाउंडेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। आप अपनी खुशी से अपने घर में रुके हुए हैं और आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस आप ना लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस लेने से क्या क्या होता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आप अपने माइंड को बस जोर डालते हैं, तो आपको हल्का सा अगर फीवर होता है सीजन का, जैसे आपको नज़ला खांसी होता है, तो आपका जो माइंड है वो एकदम कैच करता है कोरोना वायरस। आपके दिमाग में एकदम कैच होता है कि हमें कोरोना वायरस तो नहीं है। बस वो जो एक छोटी सी सोच होती है, वो सोच बहुत ख़तरनाक होती है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम वीक करते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मतलब एकदम वीक हो जाती है और आप एकदम नेगेटिविटी थॉट अपने माइंड के अंदर कैच करते हैं। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने माइंड में कैच ना करें, क्योंकि दिमाग जो होता है वो आपके दिल को एक सिग्नल भेजता है, जो आपका दिमाग बोलता है वो चीज़ें होने लगती हैं। तो आप हमेशा अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह पॉजिटिव आपके साथ होगा और आप इंशाल्लाह बेहतरीन रहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई एम कॉलिंग यू अगेन, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रह के आप बिल्कुल खुश रहें। तो बिल्कुल भी आप नेगेटिविटी माइंड में कैच ना करें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके ऊपर कोई भी वायरस या कोई भी जुकाम खांसी नज़ला बुखार आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो होता क्या है, अगर माइंड हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो माइंड उस चीज़ को मतलब करने लगता है, ठीक है ना। अगर हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस है, तो ऑटोमेटिकली 5 से 10-15 मिनट के अंदर हम अपने बॉडी के अंदर एक वीकनेस महसूस करेंगे। इतनी बार आपके साथ हुआ होगा कि आप लोग घर में बैठे होंगे और आपको आलस आ रहा होगा कि मैं नहीं यार ये काम नहीं करना, मतलब हिम्मत करके दोबारा उस काम को करते हैं और एकदम आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये एक हमारा माइंड मतलब हमारी बॉडी को रिकवरी देता है, एक ताकत देता है। तो नेगेटिविटी थॉट और पॉजिटिवली जो थॉट माइंड के अंदर आते हैं, ये हमारी बॉडी उसी तरह वर्क करती है। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप खुश रहें और आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अपना सैनिटाइज का ध्यान रखें, आप लोग जो भी चीज़ खाएँ, हेल्थी फूड लीजिए आप। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, हर आदमी ऑक्सीजन के लिए परेशान है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा, घर में रह के आप उस चीज़ को कर सकते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो चलिए, आपका कीमती वक्त ना लेते हुए आपको एक बार बताता हूँ कि किस तरह से वो आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। जैसे कि नॉर्मली हम बेड के ऊपर सीधा लेटते हैं, तो आपको सीधा ना लेट के उल्टा लेटना है, मतलब आपका मुँह नीचे रहेगा और आपकी बॉडी एकदम उल्टा हो गया आपको लेटना है। बिल्कुल कंफर्ट हो गया आप लेटें, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा आप लेटें, तो इंशाल्लाह आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि पहले ज़माने में जब चेस्ट इन्फेक्शन होता था या कोई और डिसीज़ होती थी, तो बंदे को, इंसान को उल्टा लिटा दिया करते थे, जिससे उल्टा लिटाने से उनकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाया करता था। क्योंकि जो हमारे बैकबोन होती है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी मतलब एकदम उल्टा लेटने से बहुत जल्दी रिकवर करते हैं और बहुत जल्दी ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देते हैं।
तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर किसी को भी ऑक्सीजन की परेशानी आ रही है, सांस लेने की दिक्कत हो रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से अपने घर में अपने बेड पे लेटें, उल्टा होकर लेट जाएं, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चैनल को लाइक करिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँच पाए। तो आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। मैं शबीर ज़ैदी, अलायंस पोर्टेबल सोसाइटी, टेक केयर गाइस।